अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकरामी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बहुत ही अहम मालूमात शेयर करने लगे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या मियाँ बीवी का एक साथ नहाना जायज़ है, क्या मियाँ बीवी एक साथ नहा सकते हैं और क्या मियाँ बीवी एक साथ नहाते हुए हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। नाज़रीन, बहुत ही अहम मालूमात आज हम आपसे शेयर करेंगे। बस एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि वीडियो को इख्तिताम तक लाजमी देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। इसके साथ ही एक और छोटी सी गुजारिश करूंगी कि जिन हजरात ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली दफ़ा हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन इकरामी, सवाल ये है कि क्या मियाँ बीवी एक साथ नहा सकते हैं? जी तो बिल्कुल नहा सकते हैं। इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है इस पर, बस हया का पर्दा रखा गया है। चूँकि हमारे माशरे में मगरबी फिल्में देखी जाती हैं, जिस तरह से अंग्रेज़ कर रहे होते हैं उसी तरह से हम मशरक़ के लोग भी ये तमाम ख्वाहिशात करते हैं और ये सब कुछ करना चाहते हैं और फिर नहाते वक्त हम बिस्तरी भी करना चाहते हैं। नाज़रीन इकरामी, मियाँ बीवी एक साथ नहा भी सकते हैं और नहाते हुए हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि इस्लामी तरीके से की जाए, मतलब बिस्तर पर ही हम बिस्तरी की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, मगर यूँ इस तरह से नहाते हुए भी हम बिस्तरी कर सकते हैं, इससे मना नहीं किया गया है। नाज़रीन इकरामी, नहाते हुए हम बिस्तरी के कौन कौन से नुकसान होते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। गुजारिश करूँगी, इंतजार कीजिएगा अगली वीडियो का कि नहाते वक्त मर्द को हम बिस्तरी करने के कौन कौन से नुकसान होते हैं। कोई बात जो पूछना चाहते हैं आप तो कॉमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, मुलाकात होती है फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।